नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग? बहुत दिनों बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यश वेंडर पर। और आज हम ब्लॉग बनाने आए हैं। कहाँ पर आए हैं? मतलब ब्लॉग बनाने आए, घूमने आए हैं। कहाँ पर आए हैं? बड़ी भरी गर्मियों में हम आए हैं यहाँ पर आज कुल्लू में। हम आ गए थे, इंट्रो वगैरह हम लेने आए थे, तो बोले रास्ते की वीडियो भी डाल कुल्लू देंगे। में हम कल आ गए थे, कुल्लू हम कल आ गए थे। अभी तो हम जा रहे हैं बिजली महादेव मंदिर, उसके बाद कसौली, उसके बाद मणिकर्ण। आज ही ये सब चीज़ें कवर करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, पीछे ब्लर अभी हो रहा है बैकग्राउंड। ये हमारा होम स्टे था यहाँ पर पीछे, और यहाँ पर ये पीछे बादल हैं सुंदर सुंदर। अभी आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। और तो मित्रों, अब हम होटल से निकल आए थे। अभी हम पुल पे गए थे, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी पार्किंग में। हेलो। हाँ हेलो हेलो। और अब हम जा रहे हैं बिजली महादेव, और लाइट तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम बिजली महादेव जा रहे हैं, ठीक है? ये रखा कूद जे हमारी श्रेया, जे आंच, जे मौसी ड्राइव कर रहे हैं, जे हमारी मौसी आगे बैठी हुई है। ये रोड अभी रुका हुआ है, एक तरफ से चलता है ना पहाड़ों पर। मजे ही मजे। तो देखो मित्रों, हम यहाँ पर बिजली महादेव के रास्ते में हैं, और हम ऊपर आ चुके हैं। अब आप देखो, नीचे आपको दिख रहा होगा ना, ये जो घर है, ये कुल्लू है, इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है इस टाइम पे। नीचे वो नदी भी दिख रही है, और ये सामने ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़, सामने पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ भी दिख रही है। अब हम आ चुके हैं कहाँ पर? बिजली महादेव तक। यहाँ से ऊपर जाएगा ट्रैक, मतलब यहाँ से गाड़ी, यहाँ पे हमने पार्किंग में लगा दी है, पर यहाँ से ऊपर हमें अब ट्रैक कर तो जाना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो बिजली महादेव पे लेके आएगा। और वो देख रहे हैं आप नीचे, देखो एकदम वो वहाँ से हम आए कुल्लू, छोटे छोटे घर देख रहे हैं। वो आपको कुल्लू बताओ, हम अभी 2000 फीट की ऊंचाई पे हैं, ठीक है? तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, कच्चा रास्ता है यहाँ तक आने में। बड़ी ऐसी पर मजा आया, बच्चों को आया करते हैं। तो मित्रों, अब हम पहाड़ वाली मैगी खा रहे हैं, इसके बाद हम ट्रैक चालू करेंगे। सामने से ट्रैक का रास्ता आ गया सीढ़ियों वाला, हमने कहा कुछ पेट पूजा कर लें, ठीक है? आज मोए 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 मोए। ओके मित्रों, बाय 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 बाय। ओके मित्रों, अब हमने मैगी वैगी खा ली, अब हम जा रहे हैं ट्रैक पर, ऊपर पहाड़ों पर। इधर से सीधे सीढ़ी वाला ट्रैक है बिजली महादेव के लिए, और आपको दिखाते हैं रास्ता सुंदर वाला, कैसा रास्ता है। ओके, इधर से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं कैसे जाएंगे। ये तो मित्रों, जितना आसान दिख रहा था ट्रैक, उतना आसान है नहीं है ट्रैक। ऐसे ऐसी हुई है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, साफ साफ बोलना चालू हो गई है। मजा आ रहे हैं क्या? एक वो आसान कार्टून कौन सा वाला है? वो ऑफ द बिल्डर, पहाड़ों के ऊपर नदी के पार। हाँ, पहाड़ों के ऊपर नदियों के पार। डिंग 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 डिंग। हर हर महादेव। ओके, मैं तो जा रहे हैं, पहुंच के दिखा दें कैसे महादेव के दर्शन करेंगे। बाय। ऐसी ऐसी हो चुकी है, आयांश को तो बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग तो नीचे। हम काफी ऊपर आ चुके हैं, बट अभी बहुत रह गया है। ये सामने का व्यू देखो, ये मौसी इधर बैठ गई है, ये रचित और रचित है, और पीछे श्रेया आ गई, मौसा जी और आ रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, और हालत खराब हो चुकी है। बाय बाय मित्रों, हमारे तो ऐसी तैसी हो रखी है, बाकी लोग तो काफी पीछे रह गए। ये देखो आयांश, आयांश तो मुँह मुँह कर रहा आगे आगे। और सबकी तो हालत पतली हो गई है, बड़ा खतरनाक ट्रैक है बिजली महादेव। आनंद आ रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देख सकते हो रास्ता तो बहुत सुंदर है, मजे ही मजे वाला रास्ता है। अलग ही ये आयांश है, ये पेड़ देवड़ा आ रही है, ये मौसी बैठ गई हैं, बाकी और लोग तो काफी पीछे हैं। आयांश मजा आ रहा
दूसरी टीम भी पीछे और सच में रास्ता तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत प्यारा। आयांश बस आगे भागा जा रहा है, इसको बिल्कुल थकान नहीं हो रही है। देखिए तो डस्टबिन सेटल कर रखे हैं, उसके बावजूद भी थोड़े बहुत कूड़ा कबाड़ा दिख रहा है, तो मतलब बहुत ही खराब बात है नेचर के इतने पास भी लोग गंदगी करने से बाज नहीं आते, तो कूड़ा इधर भी कर रहे हैं लोग। मजा आ रहे हैं, हर हर महादेव। आयांश क्या हुआ? मैं तो थक गए, ऊपर आ गए हम, देखो पीक पे काफी ऊपर है हम, सब लोग पीछे रह गए। पानी थोड़ा ऊपर पियेंगे, चलो बोतल है मेरे बैग में, बोतल है मेरे, बोतल दे रहा हूँ। ठीक है मित्रों, आयांश की भी अब तो थक गया है। ठीक है, हम पहुँचने वाले ऊपर, ऊपर पहुँच के दिखा रहे, अभी तो ऊपर है, वो लोग देख रहे होंगे ऊपर जा रहे हैं अभी। अब तो पेड़ों की छाव भी नहीं है और धूप है। ठीक है, हाँ हाँ दे रहा हूँ, इसको पानी पिला दूँ मित्रों। ठीक है चलो, बाय बाय मित्रों। बस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पर, ऊपर पहाड़ी पर जाकर मंदिर है। आज को पानी पिला दिया, थोड़ा रिवाइव हो गया हूँ। हाँ अब देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर एकदम पहाड़ के सबसे ऊपर है ये, इसको देख लो पहले। हाँ अभी नहीं आ रहा कोई। ठीक है, बस पहुँचने वाले हैं अब तो हम, तो बाकी लोग तो शायद जो आए साथ हैं काफ़ी पीछे हैं, जो एक ग्रुप भी जाते हैं साथ में, और मौसी मौसा जी और श्रेया काकू, हम तो पहुँचने वाले हैं। ओके मित्रों, बाय। देखिए मित्रों ऊपर आ चुके हैं, हाँ ऐसे ऐसी हो गई है। आयांश और मैं सबसे ऊपर है अभी, बाकी लोग तो दूर दूर तक दिख रहे हैं हमें, हमारे कहाँ हैं मंदिर, शायद अभी मंदिर उधर है वो दिख रहा है, दूसरी टीम आ गई, आयांश को दिख गई। ओके मित्रों, हर हर महादेव। महादेव का त्रिशूल तो दिख गया मित्रों, पहुँचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सामने आप देखो, ये पहाड़ और बादलों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। सुंदर सुंदर, अति सुंदर रूप की राशि त्रिभुवन सुंदरी। तो फाइनली हम मंदिर आ गए हैं, ये देखिए, ओ वाओ सुंदर सुंदर पिंक रोजेस, वाओ ये देखिए कितने प्यारे हैं। ये गया सनफ्लावर है, पता नहीं कौन सा पौधा है। मज़े ही मज़े, आनंद ही आनंद। तो मित्रों अभी हम तो दर्शन कर भी आए अंदर और देख भी लिया मंदिर, अभी वो बाकी सब लोग भी आ गए, हम तो आधे घंटे पहले आ गए थे आयांश और मैं दोनों। और बाकी आपको मैं टूर आया था मंदिर का, जैसे आप मंदिर में थोड़ा सा इधर आएंगे चढ़ाई करके तो ये पेड़ दिखेगा काफ़ी, ये भी काफ़ी है। और एक छोटा सा मंदिर है महादेव का, और ये है प्रॉपर मेन मंदिर बिजली महादेव का। तो यहाँ पर ये लट्ठा दिख रहा है, ये बड़ा सा बहुत ऊँचा लट्ठा है लकड़ी का। हाँ ये आयांश जो सबसे पहले मेरे संग आया था, और हाँ ये लास्ट में आया, ये मंदिर है। और इधर बिजली गिरती है सावन का जो महीना आता है, मानसून का जो महीना आता है, वहाँ पर इधर लट्ठों पर बिजली गिरती है। और ये मंदिर 7,874 फीट पर है, और इस स्थान पर बताते हैं कि शिव जी ने तब समाधि ली थी, योगी वान्तर से विराजमान है यहाँ पर। और षष्ठी से बस के तो अंत करता हुआ ये स्थान बिजली महादेव। और जलंधर असुर जो शिव चालीसा हम पढ़ते हैं ना कि आप जलंधर असुर संगारा स्वयं तुम्हारा विदित संसारा, तो ये जलंधर असुर जो था इधर ही उसको मारा था शिव जी ने, उसी का मंदिर है। और ये बताते हैं कि यहाँ पर जो बिजली के रूप में जो विपदा या दिक्कत होती है वो महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये पहाड़ की एकदम चोटी पर है, सबसे ऊपर इधर से आपको सारी माउंटेन नेस दिख जाएंगी। बहुत सुंदर मंदिर है ये, अच्छी लोकेशन, मतलब बहुत थक गए थे हम तो आते आते। हाँ ये देखो, ये काकू बहुत देर में आया, जब इतना छोटा है फिर भी इतना थक रहा था, हम इतनी देर पहले आ गए थे। और ऊपर हवा अच्छी चल रही है, ये हमारे कुकुर जी बैठे हुए हैं, और ये हमारे महादेव अंदर है। अंदर पर कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर आप फोटो वोटो खींच नहीं सकते हो। ये है, और ये पूरा व्यू आप देखो,
इधर से अब देखोगे तो और वो ये कुल्लू पूरा आपको दिखेगा सामने। हम इधर भी पूरा चढ़ के आए हैं इतनी मुश्किल से, पहले गाड़ी से फिर उसके बाद ट्रैक था, 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, खड़ा ट्रैक है पूरा सीढ़ियाँ तो। और ये व्यू आप देखोगे तो देखते ही रह जाएंगे, ठीक है। ये सबसे ऊपर हम पहाड़ी के, और ये देखिए ये नदी बह रही है, जो नदी नीचे की तेज दिख रही थी। हाँ पता नहीं शायद वो होगा या कोई और ब्रिज होगा, वो पर ब्रिज छोटा सा दिख रहा है एकदम, और वो नहीं वो है यहाँ पे महादेव है या तीर्थ सरोवर पहाड़ों पर नहीं इधर ही, ठीक है। मतलब आनंद ही आ गया यहाँ पर आज, जय हो बिजली महादेव 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 महादेव। देखो कि नंदी बाबा अलग ही, नंदी बाबा बैठा लगे यहाँ पर, दो दो नंदी हैं, वहाँ शिवलिंग भी हैं और यहाँ अंदर महादेव बैठे हैं। मैं बता रहा था ना छोटा सा महादेव का मंदिर है ये भी, छोटा सा देव का मंदिर है अंदर, यहाँ भी महादेव बैठे हुए हैं, छोटे से सुंदर सा मंदिर है ये भी। और व्यू तो मतलब पहाड़ों पे हर जगह ही अच्छा ही होता है, ठीक है, बहुत सुंदर। तो मित्रों अब हमने उधर दर्शन कर लिया बिजली महादेव पर, आनंद ही आ गए, काफ़ी ऊपर महादेव का मंदिर है। मैं बताया जैसे आपके वहाँ पे जलंधर असुर संगारा था, वो शिव चालीसा में लाइन आती है ना कि आप जलंधर असुर संगारा सुयस तुम्हारा विदत संसारा, तो वही वाला जलंधर असुर यहीं पे संगारा था। बिजली महादेव अपने ऊपर सहन कर लेते हैं, जिसपे जिससे कि धरती पर कोई भी संकट होता है तो वो महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं एक तरीके से। सावन में बिजली यहाँ पे पड़ती है, मैं दिखाया था, अब वापस नीचे उतर रहे हैं, जैसे चढ़ के आए थे वैसे उतरना, खैर उतरने में इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, चप्पल मैंने हाथ में ले लिया है, फिसलू नहीं, शूज़ पहनना भूल गया था, सोचा नहीं था मतलब इतना खतरनाक ट्रैक हुआ तो चप्पल पहन के ट्रैक कर लिया आयांश के सारे। अभी तो मेरे संग में श्रेया और काकू हैं, यरी श्रेया यरी काकू, हेलो, देख के नीचे देख के। तो अब जा रहे हैं हम, बहुत ही आनंद आ गया, सबसे पहाड़ी की चोटी पे देख तरीके से हम, काफ़ी प्यारा ट्रैक था, हर हर महादेव, और मतलब ये व्लॉग भी हमारा महादेव के साथ, आनंद ही आ गए। बाय बाय। देखिए कौवा बैठा हुआ है ऊपर पेड़ पर, प्यारे प्यारे पेड़ हैं, प्रकृति है, फूल नहीं टूटी। चलो ओके फिर मित्रों, मिलते हैं आपको नीचे, हर हर महादेव। अभी बाबा हमारे लिए आइसक्रीम लेके आए थे तो हमने आइसक्रीम भी ले ली है पहाड़ों पर, मजे ही मजे, मजे ही मजे। मित्रों अभी अभी हम उतर रहे हैं नीचे, और अभी अभी श्रेया वेरी डेंजरस, श्रेया भगते भगते आई अभी, और हम वो मैंने ऐसा कर दिया तो बच गई, वरना सीधे हर हर महादेव। और काकू पे तो पैराशूट था खैर इनबिल्ट, पर श्रेया का क्या होता, और लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उन्हीं के जो खड़ा रहेगा। अभी उधर रहे हैं, उधर बजा रहे हैं, अब जो ऊपर चढ़ रहे हैं उनसे पहले तू आ रहे हैं, ठीक है। तो मित्रों अब हम बिजली महादेव के दर्शन कर लिए थे, अब हम आ गए मनाली की ओर, और हम जा रहे हैं मनाली, और फिर आपको दिखाते हैं आगे हम जैक करते हैं। मित्रों मनाली में मतलब 2 दिन हुए पहाड़ों में, तो गोलगप्पे नहीं खाए थे, और हम यूपी वाले गोलगप्पे नहीं खाए, तो फिर गोलगप्पे दिख गए हमें, तो गोलगप्पे खाएंगे हम। बाकी आप व्यू देखो यहाँ पे जब तक अच्छा लग रहा है, वो हमारी गाड़ी गाड़ी पहुँचते हैं मनाली। बाय बाय। हम मनाली में अभी मतलब एंटर कर ही चुके हैं, बस थोड़े से मनाली के बाहर हैं, और हेलो, तो बस अब हम खाना खाने रुक गए थे यहाँ पर, एक वैष्णो पंजाबी ढाबा है, नॉर्थ इंडियन फूड यहाँ मिल जाएगा। भूख भी लग रही थी सुबह क्योंकि ब्रेकफास्ट ही तो करा था थोड़ा बहुत, और ये व्यू यहाँ का हमारे रेस्टोरेंट के सामने का प्यारा सा, मजे ही मजे। मौसम अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं ऊपर आप देखो, और पहाड़ पीछे आगे, पहाड़ कहाँ जा रहा है, अच्छा ठीक है। तो हर हर महादेव, और आपको दिखाते हैं मनाली में आके, थक गए हैं अभी तो, होटल वोटल में आराम करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है मित्रों, बाय बाय। ये अभी बहुत ही प्यारा खाना, बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पे वैष्णो देवी ढाबा, सरदार जी का यह ढाबा था, और काफ़ी प्यारा खाना नॉर्थ इंडियन के हिसाब से, स्पाइसी एकदम परफेक्ट, दाल चावल वगैरह सब बढ़िया। अब हम 20 किलोमीटर पहले हैं मनाली से, अब 20 किलोमीटर बाद हम जाएंगे मनाली, आज रुकेंगे, रात को मॉल रोड वगैरह घूमेंगे, कल सुबह फिर मरियो टेम्पल वगैरह और आस पास की जो आउटिंग है वो देखेंगे, और परसों हम जाएंगे रोहतांग। बट अभी हमें कहाँ पर, मनाली से 20 किलोमीटर पहले, और अभी वेदर हो रहा है कुछ ऐसा, ये रही श्रेया, हाय श्रेया,
ये रहे मौसाई लेट गए हैं खाना खाकर, और ये रहे हमारा काकू, और ये कुछ ऐसा कॉटेज टाइप का रेस्टोरेंट है, मजे ही मजे। बाय बाय।